नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। हमारे साथ हैं हमारे उन्नाव के ब्यूरो अजय द्विवेदी। अजय नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार सभी दर्शकों को, बहुत बहुत नमस्कार। जो एक अहम खबर, चूंकि कुछ पिछले कुछ दिनों से तबियत खराब थी, इस वजह से हम लोग उतना खबर दिखा नहीं पाए, तो एक खबर जो अहम पूरे उन्नाव में चर्चा का विषय रही, पूरे उन्नाव में तो रही ही, साथ ही कहें सभी बड़े चैनलों में इस खबर की चर्चा बनी रही, सभी ने इस खबर की बातचीत की और हर जगह ये खबर हाईलाइट रही, क्योंकि ये खबर थी एक मंदिर से जुड़ी। उन्नाव की खबर, उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का मामला है, जहां पर एक मंदिर को लेकर विवाद हुआ था। और अब विवाद की स्थिति क्या है, उसमें क्या अपडेट है, अभी हमारे संवाददाता अजय जो अजय द्विवेदी जी हैं वो कल ही वहां पे होके आए हैं। और एक अच्छी खबर ये है कि सब कुछ बड़ी ही सुख शांति के साथ संपन्न हो गया है, मामला दोनों पक्षों में सहमति बन गई है और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। आप स्क्रीन पे वीडियो देखेंगे, वहां पे आपको दिख रहा होगा पिलर और दीवाले खड़ी होनी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले अजय हम ये पहले बात कर लेते हैं, फिर हम पूरी केस हिस्ट्री बताएं कि कैसे क्या हुआ वो हम बाद में बताएंगे। पहले कल आप गए तो कल गाँव की स्थिति क्या थी और मंदिर का निर्माण कार्य किस तेजी से चल रहा है? जी राहुल जी, जिस प्रकार मैं कल गया वहां पे और वहां के जो ताजा हालात थे उनपे जायजा लिया, उनको देखा, तो उस हिसाब से जिस प्रकार से जो जिस प्रकार एप्लीकेशन दिया गया था, उस पूर्व पुलिस वहां पर मौजूद थे और पुलिस की देख रेख में, और ये कार्यक्रम वहां पर बढ़िया से चल रहा है। जो निर्माण कार्य है वहां का, जीर्णोद्धार का कार्य है वो बढ़िया से चल रहा है, और जो वहां शिव देवी थी जिन्होंने इसको को उठाया था, जिनकी हार्दिक इच्छा थी कि जो है ये मंदिर बनना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो वो मंदिर पूरी तरह से अब बन रहा है और किसी प्रकार का विघ्न बाधा वहां पर नहीं है। और दान सहयोगी लोग वहां जाके अपना सहयोग भी वहां दे रहे हैं, जिस प्रकार से क्योंकि मंदिर बनना चाहिए, एकलौता मंदिर है वहां। तो सर राहुल जी, पूरे गांव में 30 घर हिंदुओं के हैं, तो वहां पे एकलौता मंदिर यही मंदिर है, तो सभी चाहते हैं कि इसमें इसका जीर्णोद्धार हो जाए और यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे ये मंदिर बनना बहुत जरूरी है। और फिलहाल निर्माण कार्य वहां पे चल रहा है जैसा मैंने कल देखा। मेरे ख्याल से देखिए, इसमें उन्नाव जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबकी तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने बड़े ही सूझबूझ तरीके से इस चीज को निपटाया, क्योंकि इस तरह के मामले में अक्सर चीजें भावनाएं जो होती है ना वो बहुत जुड़ी हुई होती है और भावनाएं बड़ी जल्दी उबाल मार जाती हैं, जिससे फिर चीजें बिगड़ सकती है। तो उन्नाव प्रशासन ने इस मामले में जब हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय प्रभारी मंत्री विमल द्विवेदी, नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी जी ने सभी अधिकारियों को, डीएम एसडीएम को ये सब पत्र दिया, इस चीज की जानकारी दी कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, 30 भले परिवार गाँव में, एक गाँव है रानीपुर, यहाँ 30 हिंदू परिवार है, लेकिन उनकी भी इच्छा है, उनकी भी आस्था है, और उस मंदिर में बनने में, निर्माण करने में क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने जो सभी अधिकारियों को वो पत्र भेजे और अधिकारियों ने तुरंत इस मामले में, अजय मेरे ख्याल से लिया कि एक दो दिन के अंदर ही कदम उठाए, और देखिए कितनी आसानी सब कुछ दोनों पक्षों को समझा बुझा कर काम हो गया और अब मंदिर निर्माण काम हो गया, किसी तरह की किसी को आपत्ति भी नहीं हो रही। जी राहुल जी, बहुत ही सराहनीय कार्य कहा जाए, बहुत ही समाज के लिए भी अच्छी पहल है, लेकिन कुछ चीजें इसमें निकल के बाहर आती है राहुल जी, जिस पर कि समाज को ध्यान देना चाहिए। तीन दिन का वाकया, 3 दिन के अंदर ये जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले का भी विवाद था, लेकिन इसको सुलटाया किसी प्रकार से, राजनीति का हिस्सा बना, या फिर अपराधी जो प्रशासन था उसने गंभीरता से इसको नहीं लिया, लेकिन 3 दिन के अंतराल में 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, 3 अक्टूबर के बीच में सारे फैसले हो गए, सारा समझौता हो गया और मंदिर का कार्य चालू हो गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, यही तत्परता कई महीनों से अटका पड़ा था, वो मामला सिर्फ 3 दिन में सुलझ गया। अगर सुलझाने में कह देना कि जब सुलझाने पाए तो सब सुलझ जाता है, और अगर न सुलझाने हो तो एक गांठ भी नहीं खुलती है, तो वही कहानी है, 3 दिन में सुलझ गया, जबकि कई दिनों से ये मामला चल रहा था। अच्छा, इस चीज को हम डिटेल से बता दें कि पहले क्या मामला था, कैसे क्या हुआ, तो हम आपको दर्शकों को अपने सब कुछ तफसील से बताएं, साथ में हम उन लोगों की बाइकें भी सुनाएंगे जिन महिला ने ये एक तरह से कहा ये पहल शुरू की थी कि हमको मंदिर निर्माण कराना है, उन्होंने क्या क्या बताया, इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, हिंदू जागरण मंच के जो विमल द्विवेदी जी हैं वो वहाँ कैसे पहुँचे और हिंदू नेता कैसे वहाँ पहुँचे, किस तरह से अधिकारियों तक ये बात पहुंची और अब क्या स्थिति है, ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये उन्नाव के बीघापुर थाना, भगवान नगर विधानसभा, बीघापुर थाना क्षेत्र, रानीपुर गांव है।
इस गांव की जो आबादी का आंकड़ा है वो है करीब करीब 160 परिवार इस पूरे गांव में रहते हैं, जहां तक आबादी का आंकड़ा बढ़कर 130 परिवार जो बताए जाते हैं कि वो इस गांव में जो मुस्लिम परिवार हैं, वहीं जो 30 परिवार हैं वो जो हैं वो हिंदू हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर है 820, जिसमें 600 मतदाता जो हैं वो मुस्लिम हैं और 220 मतदाता हैं वो हैं हिंदू। तो आप समझ सकते हैं यानी एक मुस्लिम बहुल ये गांव है। अब यहाँ पे विवाद क्या हो रहा था, जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो एक चबूतरा सा बना होगा। अक्सर हम सभी जो भी लोग गांव से जुड़े हैं उनको पता होगा हमारे गांव में अक्सर ऐसे ही मंदिर होते हैं जिनमें धीरे धीरे गांव के लोग कुछ, कभी किसी ने एक साइड की दीवार खड़ी करा दी, किसी ने दूसरी साइड की दीवार खड़ी करा दी, किसी ने कहा भैया लो हमारे पास हमारी मन्नत पूरी हुई तो उसने छत दिलवा दिया। इसी तरह से निर्माण कार्य होते हैं गांव के, क्योंकि वो गांव के कुल देवी टाइप का या कुल देवता का मंदिर सा होता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी जो क्षमता के अनुसार उसमें जोड़ते हैं और वो मंदिर का निर्माण कराते हैं। इसी तरह से एक चबूतरा है, वहां पे एक शिवलिंग रखा है। अच्छा, गांव के लोग कहना है, जो हिंदू परिवार है उनका कहना है ये 70 साल से मंदिर है। हमारे लोगों के जितने भी छोटे मोटे मुंडन संस्कार जो भी कार्यक्रम हुए, शादी में आप जानते हैं देवताओं के पूजन का कार्यक्रम होता है, वो सब इसी जगह होते हैं क्योंकि वही एक है ही है और कोई है नहीं, तो 70 साल से मंदिर है। अब जो आप, हम अभी एक बुजुर्ग की बाइक सुनाएंगे, वो कह रहे थे कि हम लोगों में एक जो व्यक्ति थे उन्होंने इस मंदिर, उनकी मन्नत कोई मांगी थी उन्होंने कि शिव बाबा हमारा ये काम करा देंगे तो हम छत डलवा देंगे। उनके मन्नत पूरी हुई, उन्होंने छत डलवाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मुस्लिम बहुल गांव है, मुस्लिम कुछ लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई मंदिर निर्माण यहाँ आप मत कराइए, आप गांव के बाहर कहीं भी मंदिर निर्माण करा लीजिए लेकिन यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एक मस्जिद है। उनका कहना था कि हम लोग यहाँ पे नमाज करते हैं, अजान होती है, हमारा भी जो कार्यक्रम होते हैं और आपका भी कार्यक्रम जो महज 100 मीटर की दूरी है, अगर यहाँ पर होंगे तो इससे हमारे आपके बीच में विवाद बढ़ेगा और जो गांव के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, ये कई दिनों पहले बात थी, चुनाव बताते हैं, ये ग्राम पंचायत पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव के समय से विवाद था, लेकिन फिर मामला चुनाव आया तो रफा दफा हो गया, मामला खत्म हुआ। इसके बाद अभी हाल में एक शिव देवी जी रहती हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरे घर का निर्माण हो जाए शिव बाबा तो हम आपका छत डलवा देंगे। अब उनके बेटे की नौकरी अच्छी गुजरात में लग गई, उनके बेटे ने गुजरात में घर वाल लेके सेटल हो गया तो उनको लगा कि हाँ चलो भगवान ने हमारी मन्नत पूरी की, अब हम उनका निर्माण कर दें। तो एक बार जैसे ही उन्होंने फिर से निर्माण कार्य शुरू किया तो फिर दूसरे पक्ष ने इस चीज़ पे विरोध जता दिया कि नहीं भाई यहाँ निर्माण नहीं होगा। और बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया था कि ये बिना किसी परमिशन के इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय प्रभारी मंत्री विमल द्विवेदी और इनका एक नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक भी हैं, इनको पता चली तो ये लोग वहां पहुंचे, साथ ही पत्रकारगण भी इनसे पहले पहुंच गए क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो चुका था, सुर्खियों में आ चुका था। जब ये पहुंचे इन्होंने बात की तो उन्होंने जो शिव देवी हैं उनसे बात की, उनसे पूछा कितना साल पुराना मंदिर है तो उन्होंने बताया कि भाई 70 साल से हम लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं, अब बताइए भद्दर गर्मी में ये चबूतरा तपता है तो हम लोग कैसे पूजा अर्चना करने जाएं, हमारे भगवान तप रहे हैं और हम लोग कैसे सुकून से रह सकते हैं, हर सच में है फर्श है, मई जून की गर्मी में वो फर्श कैसे तप रही होगी इसका अंदाजा आप छू के लगाए देख सकते हैं। तो उनका कहना था कि हम छत डलवाना चाहते हैं लेकिन वो लोग मनाही कर रहे हैं, जबकि उनके नमाज या अजान के टाइम में हम लोगों ने ये कर रखा है कि भाई अगर जब उनको दिक्कत है तो जब भी उनका कार्यक्रम कुछ होगा तो हम उस टाइम अपना जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम है उसको हम नहीं करेंगे या रोक लेंगे या आवाज़ एकदम धीमी कर देंगे ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। इसके बाद विमल द्विवेदी ने इस मामले में पहल दिखाई, उन्होंने SDM DM और भी अधिकारियों तक इस मामले को पहुंचाया, पत्र दिया कि भाई एक हिंदू आस्था का मामला है, 30 परिवार हैं, अगर उनको पूजा अर्चना करना है और अपने मंदिर का निर्माण करना है तो इसमें भले किसको क्या आपत्ति हो सकती है। और उनकी ये पहल आखिरकार रंग लाई कह दें और मंदिर निर्माण आखिरकार 3 दिन में ही सब कुछ अधिकारियों तक गया, DM ने निर्देश दिए, SDM को SDM ने निर्देश दिए, नायब तहसीलदार को जमीन नापी गई तो पता चला ये जमीन संख्या 691 है और ये आबादी की जमीन है। और बताते हैं दोनों ही मंदिर और मस्जिद दोनों ही आबादी की जमीन पर हैं, जिसके बाद
नया तहसीलदार स्नेहा यादव के नेतृत्व में कानून गो अरविंद श्रीवास्तव, लेखपाल राजकिशोर मौके पर भेजे गए। नायब तहसीलदार ने अभिलेखों का परीक्षण किया। जमीन संख्या सही मिलने पर हिंदू पक्ष से राजकुमारी विनोद कुमार, किरण महानंद, रामबली, रमेश, अनिल शर्मा, रमेश से मंदिर की स्थापना के बारे में पूछा गया कि कब से निर्माण है, कब से क्या, कब से पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, और लोग जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो छत डालने से मना कर रहे हैं। वहीं विरोध कर रहे पक्ष में निहाल और सोएब से लिखित बयान में उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर उन्हें कोई विरोध नहीं है, बगल में थोड़ी दूरी पर ही मस्जिद होने से भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो निर्माण को रोकने की बात कह रहे थे। बहरहाल दोनों पक्षों में समझौता हुआ और समझौते में एक पत्र बनाया गया, उसका दोनों पक्षों की तरफ से दस्तखत कर दिए गए हैं और अब मंदिर निर्माण कार्य पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हो चुका है। अजय, बड़ा लंबी पटकथा है, बहुत दूर दूर से, मतलब कहें कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन आखिरकार मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। आप वहां गए थे, जो महिला जो शिव देवी हैं जिन्होंने, अच्छा हम लोगों में तो भाई मन्नत उन्नत आप गांव में जानते, कितना लोग मानते कि अगर मन्नत नहीं मानेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो बेचारी इसी वजह से परेशान थी कि उनके बेटे के लिए उन्होंने मन्नत मांगी, अगर वो नहीं पूरी करेंगे तो उनके लिए बुरा हो सकता है, तो शायद अब वो बहुत माता जी खुश होंगी। जी राहुल जी, हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म में और क्या सनातन जो है आपका भारत को समझने के लिए इनकी जो अपनी सभ्यता है, अपनी मान्यताएं हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो विदेशी भी कह गए कि अगर हिंदुस्तान को समझना है तो उनकी आस्था को समझना पड़ेगा आपको, जो आस्था का देश है और आस्था के लिए मर मिटने वाले हैं ये, कि जैसी उनकी आस्था है और उनपे विश्वास इतना खड़ा है राहुल जी, कि अगर कोई भी अच्छा बुरा अगर कार्य होता भी है तो सीधा बिल्कुल आस्था पे लगा देते हैं कि यार मेरे से मैंने ऐसा किया, खुद ही विचार कर लेते तो इसका परिणाम मुझे ये मिला, मैंने अच्छा किया तो प्रभु ने हमको इसका परिणाम ये दिया। तो ऐसी घनिष्ठता के साथ जो आपका सनातन है, सनातन में आस्था का बहुत बड़ा महत्व है, आस्था से ही मेरा ख्याल जीवन से जुड़ा हुआ आस्था, आस्था है कि जीवन चला जाए लेकिन आस्था के प्रति, देखो कितने भी घटनाएं तक हो जाती हैं इसी आस्था के पीछे, कई भागदौड़ हो जाते हैं कई जगह आस्था के पीछे, तो ये सब आस्था का केंद्र था, और जब समय होता किसी चीज का राहुल जी तभी कोई चीज वहां पे बन पाती है। अब इसका समय टल रहा था, अब प्रभु की इच्छा हुई तो यही तो जीवानी जो आज शिव देवी है वो कह रही है कि जब समय आया तो बन गया, मैं तो प्रयासरत बहुत दिन से थी और अब तो कह रही है कि हमको भूख प्यास नहीं लग रही है, इतना बढ़िया मंदिर हमारा बन रहा, हमारे प्रभु का मंदिर बन रहा है, इतना हम प्रसन्न है कि हम लोगों को भूख प्यास नहीं लग रही है पूरे दिन में। अच्छा, इतना वो लोग प्रसन्न है। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने जो पहले कहा था वो हम आपको सुना देते हैं कि उनका क्या कहना था इस मंदिर के बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा वो भी हम सुना देते हैं, फिर आगे हम बातचीत करते थे। छत नहीं डालने दूंगा कुछ भी, जहाँ इच्छा हो जहाँ तुम जाओ, मेरा कुछ नहीं हो जाए, ज्यादा करोगे तो हम वो लगाएंगे उसमें क्या बोलते हैं, कभी बन नहीं पाएगा। अच्छा, उनके यहाँ जब अजान होती है मस्जिदों में तो आप लोगों को दिक्कत कुछ होती है? नहीं, वो रात में पढ़ते हैं तरावी में, कुछ नहीं बोलते, रात में सोने भी नहीं देते हैं, और तब भी मैं नहीं बोलते, उस सब तरीके से वो दबा के मुझे रखा है। ये भी बोलते हैं कि कहूँ गांव गली में हर खेत में जाएगा तो इसको जान से मार दो। यही क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, आपके गांव में मंदिर बनना था जिसे जोड़ था, आप लोग करा रहे थे, वर्ग विशेष के लोग इसको रोक रहे थे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर जी, हम लोग यहाँ पर आके गाना भजन करते हैं, गाना कीर्तन करते हैं, यहाँ पे रोड पे बैठ के, यहाँ पर जमीन नहीं है और 5 बिस्वा जमीन थी सब हड़प ली गई है, और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये लोग रोक लगाते हैं, तीज त्यौहार आते हैं यहाँ पर डीजे बजाते हैं या गाना या आरती बजाते हैं, और तीज त्यौहार में आते हैं तो ये लोग कहते हैं यहाँ पर आओगी, बच्चों को मारते भी हैं और कहते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ना करो, ये मंदिर बाहर बनाओ जाके, बाहर सब लोग जहाँ करना है सो करो, यहाँ गाँव के बीच में हमारी अजान में दिक्कत होती है, ऐसे कहते हैं लोग। मतलब कि उनको मंदिर निर्माण से दिक्कत है? जी, ये कहते हैं यहाँ पे होगा, अगर निर्माण हो भी जाएगा तो हिंदू समाज को सबको भगा देंगे यहाँ से निकाल के, ऐसे। अच्छा, कहते हैं। जब उनके अजान पढ़ी जाती है आप लोग कभी विरोध किए? कोई भी विरोध नहीं करते हम लोग, और हो सकता है हमारे यहाँ से कि तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर देते हैं, गाना भजन कीर्तन जो भी होता है बंद कर देते हैं कि चलो वो अपना 5-10 मिनट के लिए अजान कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। सुना आपने जो इनका कहना था कि हमारा पुराना मंदिर है, बस वो लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं हम छत नहीं डालेंगे। अच्छा, हमने पुरानी बाइटें भी सुनी जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना था कि वो कहीं और बना ले मंदिर,
गांव के बाहर बना लें, लेकिन यहाँ मत बनाएं क्योंकि मस्जिद है पास में, इस वजह से उनको आपत्ति थी। फिलहाल अब दोनों पक्षों से समझौता हो चुका है और मंदिर निर्माण कार्य हो गया और पुलिस फोर्स भी तैनात है। अब वहीं इस मामले में सांसद जो नौ के सांसद हैं साक्षी महाराज, उनका भी एक उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बयान दिया था। हाँ, सांसद साक्षी महाराज ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि लोकसभा क्षेत्र के रानीपुर गांव में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में कुछ कट्टरपंथियों द्वारा व्यवधान डालने की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति देने के साथ ही भविष्य में किसी भी अराजक तत्व द्वारा अराजकता व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया है। बहुत शीघ्र रानीपुर शिव मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सभी सनातन प्रेमियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा जो भगवान नगर के विधायक हैं आशुतोष शुक्ला, वो भी रानीपुर गांव पहुंचे जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने 51,000 रुपये और एक सोलर लाइट मंदिर के पास ही लगवाने का आश्वासन दिया है और 51,000 रुपये मदद दी है। इसके अलावा विमल द्विवेदी ने तो सबसे पहले ही मदद कर दी थी और उन्होंने जो भगवान नगर के विधायक आशुतोष शुक्ला है उन्होंने कहा कि मामला पहले भी था, अगर पुलिस पहले ही अच्छे से हैंडल कर देती तो मामला कब का सॉल्व हो जाता, शायद इतना बढ़ता ही ना। फिलहाल अंत भला तो सब भला हम कहें अजय, क्यों अजय? सही है, जब वहां का जब पूरा समाधान हो चुका है तो उसमें कोई प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। हाँ। क्योंकि जिस कार्य के लिए बीड़ा उठाया था शिव देवी जी ने, वो कार्य हो रहा है सुचारू रूप से, तो उसमें निर्बाध रूप से होना भी चाहिए और सराहनीय पात्र तो है ही है, अति सराहनीय कार्य कहा जाएगा। ऐसो का जो विकास जहाँ पर दो बाहुल्य आमने सामने, दो विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने हो गए, तो उसमें कितनी सूझबूझ के साथ और किस प्रकार उन्होंने अपनी जो एसपी साहब है उनके द्वारा निर्देशित किया गया और एसओ बिघापुर राजपाल जी के द्वारा जिस प्रकार से वहां सहानुभूति बनाई गई और तटस्थ रहकर इस टाइम कार्य कराया जा रहा है, तो वाकई सराहनीय कार्य है क्योंकि अराजक तत्वों की कमी नहीं है। त्योहार सर पर है राहुल जी, इस टाइम अगर किसी प्रकार का दंगा को जरा सा उठा दिया जाए तो प्रशासन के, हाँ, ये जब मामला आया तो क्रिमिनल बन जाएगा। हाँ, चुनाव के तहत इसमें मामले में कुछ नेताओं द्वारा ये कहा गया कि ये बीजेपी द्वारा जब मुद्दा जानबूझ के उठाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ये गांव का ही मामला था और ये सोशल मीडिया पर पहले ही आ गया था, उसके बाद कहीं जाकर नेता लोग वहां पहुंचे। और अच्छी बात ये रही कि किसी नेता ने किसी तरह की ऐसी बातें नहीं की जो भड़काने वाली हो या किसी को उकसाने वाली। उन्होंने सिर्फ इतना रखा कि भाई हाँ, कि भले ही 30 परिवार हैं, कम हैं, लेकिन उनकी भी आस्था है, उनकी भी पूजा है। अगर वो दूसरे पक्ष के जो मस्जिद में नमाज हो रही है और तरावी पढ़ी जा रही है उसको सुन रहे हैं, उसमें वो आपत्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी आस्था है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और दूसरे पक्ष ने चलिए देर से ही सही उस बात को समझा और अब वो कार्य पूरा हो रहा है। चलिए, इस मामले में विमल द्विवेदी ने डीएम एसडीएम को क्या पत्र लिखा था, उन्होंने क्या मांग की थी, वो भी हम सुना देते हैं लोगों को। सदर तहसील के अंतर्गत बीघापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रानीपुर में जो मुस्लिम बहुल्य गांव है उसमें लगभग 70 वर्ष पुराने शिव मंदिर में जीर्णोद्धार व उसके छत ढालने को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, जिसको लेकर आज उसकी अनुमति को लेकर नरसेवा नारायण सेवा द्वारा एसडीएम सदर को पत्र के माध्यम से उसकी अनुमति मांगी गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार वहां मुस्लिम पक्ष द्वारा यह कहकर मंदिर के जीर्णोद्धार पर रोक लगा दी गई है कि वहां से लगभग 100 मीटर दूरी पर मस्जिद है और हम अजान और तरावी पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो इस तरह को लेकर, और वो पूजा करेंगे तो हिंदुओं की पूजा से उनको आपत्ति है, इसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इसको लेकर आज सदर एसडीएम साहब से मिलकर इस पत्र के माध्यम से वहां मंदिर निर्माण तत्काल कराए जाने और जीर्णोद्धार के लिए अनुमति देने की मांग की गई है। चलिए, सब कुछ तो पूरा हो गया, कब तक मंदिर निर्माण का कुछ है कि पूरा हो जाएगा, कुछ जानकारी कल आप गए थे तो पता चला था? अभी राहुल जी, जिस प्रकार मंदिर निर्माण चल रहा है, अभी महीने एक लगेगा इसमें, जो कि समय लगेगा, उसमें दीवारें जोड़ी जा रही है, दीवार के बाद फिर छत डालने की व्यवस्था की जाएगी, तो अभी मान लीजिए कि एक महीना तो अभी लग जाएगा इस मंदिर को जीर्णोद्धार होने में, और कितना क्या काम कराना है उसके आगे फिर देखते हैं कि इसमें क्या कितना काम कराएंगे वो लोग, उसी साथ जो भी अपडेट होगी हम पहुंचाते रहेंगे। तो अभी एक महीने तो राहुल जी लगेगा। ये दिवाली बड़ी शुभ रहेगी जो हिंदू परिवार है उनके लिए, तो खासकर अच्छा रहेगा क्योंकि जो उनके
मैं हम देख रहे थे कि एक सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो परिवार की ये मांग थी कि मंदिर हो, वहाँ सारे हिंदू परिवार एकजुट हैं कि हाँ हमारे मंदिर का निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो सारे के सारे अब खुश होंगे, दिवाली शायद जगमग रहेगी इस बार वहाँ। बिल्कुल रहना भी चाहिए राहुल जी, इसलिए कि त्योहार जब जब दो समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं तो दोनों समुदायों को अपने अपने त्योहार करने का पूर्ण अधिकार है, हक है। अगर उसमें कोई बाधा करता है तो निश्चित तौर से वो कार्रवाई का पात्र है। इसलिए कि जो है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, जब हम दोनों को आस्था का देश मांग रहे हैं तो आपकी आस्था है तो आस्था भी इनकी भी है ना, चाहे वो एक घर हो, चाहे 21 घर हो, चाहे 1 लाख घर हो, लेकिन जहां देश में संविधान से देश चल रहा है तो संविधान ने अधिकार सबको दिया है कि अपने हिसाब से आप अपनी आस्था का ख्याल रखें। अब जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर हस्तक्षेप पटाक्षेप नहीं करता है तो फिर उसके में भी नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ समाज के ठेकेदार ऐसे भी होते हैं राहुल जी, जो महज राजनीति के चक्कर में इस मामले को आगे बढ़ा भी सकते थे, लेकिन जिस प्रकार सूझबूझ के साथ इसमें कम लोगों ने जाकर इसको बिल्कुल सहजता से संभाल लिया, इतना हमें विश्वास नहीं होता था। हाँ। क्योंकि अब जो है कि चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव राजनीति इसमें होना तय था, लेकिन जिस प्रकार लेकिन ये सौहार्द जी बिल्कुल राव जी, और ये जो आज हो रहा है, आज हुआ है, ये 3 महीने पहले जब एप्लीकेशन डाली गई थी उसी टाइम। अगर देखो प्रशासन को हम नहीं कह सकते, प्रशासन को जितना निर्देशित किया जाएगा राहुल जी उतना ही प्रशासन करेगा। थाना है तो क्या करेगा, जब ऊपर से कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, जब उसको निर्देश मिलेगा वो सुरक्षा के, भाई सुरक्षा हमको देना है, उसी से उसको मतलब उन्होंने सुरक्षा दे दिया और काम हो गया। तो ये मामला जहां पे 130 परिवार रहते हैं मुस्लिम के और 130 परिवार यहीं पे है, तो मैं तो ये बात कहता हूं कि दोनों पक्षों को, जो बाहुल्य पक्ष हैं उनके बुद्धिजीवी लोगों को बैठकर और जो कम लोग हैं उनके उनके बुद्धिजीवी लोगों को बैठाकर ये मामला अपने गांव में ही हल हो सकता था, किसी प्रशासन तक जाने की बात ही नहीं उठती थी। लेकिन इसमें जो अड़ने वाली सवाल उठ गया ना, ये जो थोड़ा सा मामले को खींच दिया, लेकिन पूर्णतया 3 दिन के अंदर ये मामला जिस तरह सॉल्व हुआ है, मुझे उम्मीद है आपस में सुलझ जाता तो ये एक मिसाल बन जाती। देखिए एक बिल्कुल मिसाल बन जाता है, एक मुस्लिम बहुल गाँव में इस तरह से मुस्लिमों ने आपसी सौहार्द्र बनाने के लिए ये क्या कि हाँ चलो भाई उनकी आस्था का केंद्र है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब उन्हें हमारे उससे कोई आपत्ति नहीं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना बनवाना चाहते हैं, चलिए हम भी मदद कर रहे हैं, बनवाइए आप। तो शायद वो एक मिसाल बन गई, और लोग जो जिस तरह से आज की खबरों में छाया हुआ है कि विवाद हुआ, वो शायद विवाद ना होता तब होता, नाम होता कि एक गाँव रानीपुर है जहाँ पे इस तरह का भी हुआ काम। लेकिन बिल्कुल ये सराहनीय कार्य हो जाता है, ज्यादा बढ़िया हो जाता है, जान डालने जाते हैं। हाँ, ऐसा कैसे। बहरहाल मामला सुलझ गया है और इस मामले में जो भी आगे अपडेट आती रहेंगे हम आपको बताएंगे। बहरहाल मंदिर निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं करीब करीब जहाँ कहें छत डालना है वहाँ तक दीवारें पहुँच चुकी हैं, थोड़ा सा और हो सकता है अगले दिवाली की वजह से भले काम रुके, वरना अगले कुछ दिनों में छत भी पड़ जाएगी। और ऐसा कोई नहीं कि बहुत विशाल मंदिर बनना है, बहुत छोटा ही मंदिर है, लेकिन हाँ गांव के लोगों की जैसी आस्था है, हमने जैसा आपको बताया कि शुरुआत में गांव के लोग, गांव में जो मंदिर बनते हैं वो हर एक की मन्नत के आधार पर बनते हैं। किसी ने मन्नत मांगी कि भैया हम इतने का निर्माण कार्य करा देंगे अगर हमारा ये हो गया, उसका हुआ, उसने करा दिया। फिर दूसरे को हुआ कि अच्छा इस साइड की दीवार रह गई, इस साइड की हम बनवा देंगे, भगवान जी हमारा ये काम हो गया। तो इस तरह से ही मंदिर बनते हैं, छोटे छोटे मंदिर, कोई बहुत विशाल नहीं है जिससे कह दे कि पूरा गांव घिर जाए और दूर 10 किलोमीटर दूर से वो मंदिर दिखने लगे। छोटा सा मंदिर है, छोटा सा विवाद था और वो बड़ा बन गया कह दें, लेकिन अब उसको सुलझा दिया गया और सब खुश हैं, दोनों पक्ष राजी हो गए हैं, सहमति पत्र दिया गया। साथ में अब सांसद साक्षी महाराज ने ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं कि निर्माण हो जाए उसके बाद ये सोचा जाए कि मामला चलो अब हो गया, कुछ हम परेशान करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ की बाकायदा निगरानी रखी जाए कि कोई भी किसी तरह से उपद्रव ना करे, ना ही किसी पक्ष को परेशान किया जाए, तब सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बना रहना चाहिए। अगर कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये सांसद साक्षी महाराज ने जो बड़े अधिकारी हैं SP DM सबको एक पत्र लिखकर और ये ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करके भी लिखा। चलिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे उस पर जानकारी दी, आप वहाँ गए भी और हमने जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी आपको सभी दर्शकों को दिखा दिया कि किस तरह से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे तुलसा जी के
जो पीछे है वो छोटा सा शिवलिंग है, बस वही है, उन्हीं की उन्हीं के लिए पूरा विवाद हुआ, उन्हीं के लिए सारा बवाल खड़ा हुआ, लेकिन अब मामला सुलझ चुका है और मंदिर निर्माण का आप देख सकते हैं मिस्त्री लगे हुए हैं, दीवारें बनाई जा रही, पिलर बने हुए हैं, बस थोड़े दिनों में मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ, हिंदुओं द्वारा मंदिर के लिए अनुदान भी भेजा जाना चाहिए। जो जी कुछ लोग जो हैं अपनी तरफ से, किसी ने अपनी तरफ से 5100 रुपए दिए हैं, जैसे आशुतोष भगवत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला ने 51,000 रुपए दिए हैं, और भी लोग दे रहे हैं, धीरे धीरे लोग दे रहे हैं। जो भी देना चाहता है भाई, आपकी आस्था है, शिव जी में आस्था है, तो आप गांव जा सकते हैं, दे सकते हैं जाके। मेरे ख्याल से किसी पास जागने से अच्छा, किसी को देने से अच्छा है खुद जाके देंगे जाके तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी लगेगा कि हाँ हमने ऐसे को दिया है जो निर्माण कराने के लिए पहल कर रहे हैं, खासकर शिव देवी जी, तो उनको दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा कि भाई लोगों को अनुदान देना चाहिए, तो हम भी कह रहे हैं अगर आप देना चाहते हैं तो राहुल जी जो अनुदान देना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर रानीपुर जाएं और उस जीर्णोद्धार को देखें, देखने के बाद वहाँ अपना दान दे सकते हैं। दान देने के बाद हमारे नंबर पे जो हमारा नंबर इश्यू है यूनिट यूपी का, उसमें अपना डाल सकते हैं, हम आपकी खबर भी चलाएंगे कि आपने वहाँ यथाउचित चंदा दिया, दान दिया वहाँ पर, तो आप जाके दान वही जाके दे सकते हैं। मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब अगर वहाँ कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि वहाँ हम दिखाएं आपको कि किस तरह का मंदिर बना है, और अगर आप दान देना चाहें तो जाहिर सी बात है हम सीधे कहेंगे कि रानीपुर जाके दीजिएगा किसी और के माध्यम से, क्योंकि इस तरह के उसमें कई लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मंदिर में दान देने जाएंगे और पैसा वो हड़प लेते, तो ऐसा मत कीजिएगा, जाके वहाँ पर ही ध्यान दीजिए, जो रानीपुर गाँव में लोग मंदिर बनवा रहे हैं उन्हीं को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, इसी तरह से हम उन्नाव की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, नमस्कार सभी दर्शकों को, बहुत बहुत नमस्कार।